हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मातृ पितृ वंदना जो आसाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो ये इनिशिएटिव लाया अपने माँ बाप के सेवा करने के हेतु, ठीक है, तो इसको कैसे आप लोग अवेल कर सकोगे, इसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी टाइप का आज जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेगा मैं आप सबके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखो, आप लोग मातृ पितृ वंदना .assam.gov.in ये आप लोग सर्च करना गूगल पे। अगर किसी को लिंक नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो देखो, उसके बाद ये इंटरफेस आएगा मातृ पितृ वंदना। तो उसके बाद देखो, इस पर देखो लॉगिन। उसके बाद देखो, अगर आप लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया ऑलरेडी तो आपके जो मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा, OTP आएगा। लेकिन अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, देखो इसके लिए पहले आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पर क्लिक करना होगा। अच्छा, क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आया। उसके बाद देखो, आपका नाम देना फुल नेम, उसके बाद देखो मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद देखो फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर खुद का देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद देखो सिलेक्ट जेंडर, तो आप लोग ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना। उसके बाद देखो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ द ऑफिस। उसके बाद देखो नेम ऑफ द ऑफिस, आपका जिधर मतलब काम कर रहे हो, जिस स्कूल पे तो वो या जिस ऑफिस पे काम कर रहे हो वो लिखना आपका। उसके बाद देखो डेजिग्नेशन, मान लो मैं असिस्टेंट टीचर हूँ तो मैं असिस्टेंट टीचर लिखूँगा, कोई हेड टीचर है तो हेड टीचर लिखेगा। उसके बाद देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट, अगर एडुकेशन सेक्टर से हो तो आप लोग ऐसे करना। उसके बाद एट द एंड आएगा आपका देखो एलिमेंटरी एडुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद देखो नेम ऑफ द कंसर्न्ड हेड, तो इस पर आप अपना जो कह सकते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर हो या BEO, तो इनका नाम लिखना। उसके बाद देखो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन देना, ब्लॉक देना अपना। उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो उस पर देखो ऑफिशियल ID, जो आइडेंटिटी कार्ड अगर है आपके पास वो दे सकते हो, नहीं तो आप अपॉइंटमेंट लेटर भी दे सकते हो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना आप लोग ये सब चीज़ें, उसके बाद ही अप्लाई करना। और अपने नज़दीकी जो BO ऑफिस या DI ऑफिस, इस पर जाके पूछ सकते हो। तो इस पर देखो अब मैक्सिमम साइज कितना होगा, देखो 5 MB से ऊपर नहीं होगा, ये मैक्सिमम है, इसके नीचे होगा इस पे। उसके बाद देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना होगा 600x600, तो मैक्सिमम साइज इस पे 3 MB। तो इस पे क्लिक करके उसके बाद देखो, इस पे क्लिक करना आई सर्टिफाई, उसके बाद इधर जो कैप्चा है वो कैप्चा अपलोड करना, ठीक है, लिखना। उसके बाद रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद लीव अप्लाई आएगा, तो लीव अप्लाई पर आप जो डेट दिया हुआ है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद एकदम रजिस्टर कर देना, रजिस्टर तो हो गया, उसके बाद सबमिट कर देना। और एट द एंड आप लोग प्रिंटआउट निकाल के अपने कंसर्न हेड टीचर से मतलब फॉरवर्ड करके अपने जो मेन ऑफिस है उस पर दे देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप अच्छा लगा ये वीडियो, तो वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।